होंडा एलिवेट बुक करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। हम आपको इस गाड़ी के बारे में चार ऐसी बातें बताएंगे जिसके बाद शायद आप अपना फैसला बदल लें। होंडा ने हाल ही में अपनी एलिवेट को लॉन्च किया और इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए रखी, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 16 लाख रुपए तक जाती है। ऐसे में इस गाड़ी के वीडियोस की यूट्यूब पर बाढ़ आ गई और लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन YouTube वीडियो के भरोसे आप अपने लाखों रुपए दांव पर मत लगा देना। हम आपको इस गाड़ी की चार कमियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी चार खूबियां भी बताएंगे ताकि वीडियो बैलेंस रहे। तो शुरुआत करते हैं इसकी खूबियों के साथ। हम इस गाड़ी की बेसिक डिटेल्स की बात नहीं करेंगे, वह गूगल पर भरी पड़ी है और आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। हम चार ऐसे यूनिक फीचर बता रहे हैं जो एलिवेट को सेगमेंट की बाकी कारों से अलग बनाते हैं। नंबर वन, होंडा एलिवेट की सबसे पहली खूबी है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें महिंद्रा थार में भी 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो होंडा एलिवेट से सिर्फ 6 mm ज्यादा है। नंबर टू, यह कार बूट स्पेस के मामले में भी क्रेटा और सेल्टोस समेत बाकी कारों को मात देती है। एलिवेट में 458 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। तुलना के लिए आपको बता दें कि क्रेटा और सेल्टोस में 433 लीटर का बूट स्पेस ही मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस सिर्फ 373 लीटर है। नंबर थ्री, होंडा एलिवेट की तीसरी खूबी है इसका सीवीटी गियरबॉक्स जो कि सेकंड बेस मॉडल से ही मिलने लगता है। इसे कुल चार वेरिएंट में लाया गया है। बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सभी वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है। और इसकी चौथी और आखिरी खूबी है सेफ्टी फीचर्स। इसमें एडैस लेवल 2 मिलता है, 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, इसके साथ ही हिल स्टार्ट असिस्ट, लेन वॉच असिस्ट, आइसोफिक्स और ESP जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अब इन चार फीचर्स के अलावा इसका लुक और डिजाइन ऐसी चीजें हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उनकी बात ना की जाए तो अच्छा है। आइए अब उन चार कमियों की बात कर लेते हैं जो कि होंडा एलिवेट खरीदने वाले ग्राहकों को निराश कर सकती हैं। नंबर वन, इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन सेगमेंट की बाकी कारों में आपको ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किया सेल्टोस का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जनरेट करता है 160 PS एंड 253 Nm का टॉर्क, वहीं एलिवेट का इंजन 121 PS एंड 145 Nm आउटपुट ही जनरेट करता है। नंबर टू, एलिवेट में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है, इसमें डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि इसकी जो कंपटीशन वाली गाड़ियां हैं उसमें आपको डीजल ही नहीं हाइब्रिड CNG ऐसे ऑप्शन भी मिलते हैं। एलिवेट सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ ही क्रेटा और सेल्टोस, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को टक्कर देने निकल गई। नंबर थ्री, मैं मानता हूं कि एलिवेट में काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ बेसिक और जरूरी फीचर्स हैं जो एलिवेट में नहीं मिलते। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई हैं, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, ड्राइवर सीट भी पावर नहीं है और इसका सनरूफ भी छोटा वाला है, यानी पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। और सबसे आखिरी पॉइंट है माइलेज, जो कि इंडियन ग्राहक के लिए सबसे जरूरी चीज है। होंडा एलिवेट के मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज 15.3 KMPL बताया गया है, जो कि रियल वर्ल्ड में और भी कम रहने वाला है। आपको तुलना के लिए बता दें कि ग्रैंड विटारा के नॉन हाइब्रिड इंजन का माइलेज है 21 KMPL, स्कोडा कुशाक के टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज है 18.6 KMPL और सेल्टोस के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का माइलेज 17.1 KMPL है। यानी बात चाहे इंजन की हो, माइलेज की हो या फीचर्स की हो, एलिवेट सिर्फ एक औसत कार नजर आती है। यानी बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस जैसी छोटी चीजों को छोड़ दिया जाए तो यह कोई बड़ा रीजन नहीं देती जिससे ग्राहक क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी को छोड़कर इसे खरीदने के लिए जाएं। बाजार में एक नया प्रोडक्ट जरूर है, इसलिए लोग टेस्ट ड्राइव करने भी जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग असल ग्राहक बन पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। हमारा काम था आपको सही जानकारी देना और आपका काम है हमें कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर काम का लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना।